हाय गाइज, आई एम कमल शर्मा। वेलकम टू न्यू अनदर वीडियो। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। कैसे आप सब लोग? आई होप ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ गाइज, बिल्कुल मस्त हूँ। गाइज, आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल देख के समझ गए होंगे आज मैं किस बारे में आप लोगों से बात करने वाला हूँ, किस बारे में आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ, किस बारे में आप लोगों को मैं जानकारी देने वाला हूँ। तो गाइज, ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल होने वाली है जो लोग अरब देश ओमान में आना चाहते हैं, यहाँ आकर अपना बिजनेस करना चाहते हैं, अपना कारोबार करना चाहते हैं, अपनी दुकान खोलना चाहते हैं, अपना काम खोलना चाहते हैं या नौकरी की तलाश में आना चाहते हैं, उन लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त वीडियो होने वाली है। और इस वीडियो में आपको एक नंबर दूंगा, एक ट्रैवल एजेंट का नाम और नंबर दूंगा, वो आपको ओमान आने के लिए वीज़ा भी देगा। तो गाइस, वीज़ा कितना में मिलेगा, कितना पैसा लगेगा आपको ओमान आने में, सब कुछ मैं आपको इसी वीडियो में खुलासा कर दूंगा। इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, एंड तक देखना, आखिर तक देखना। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। चैनल में पहली बार आए अभी तक आपने शर्मा मिक्स लोग को सब्सक्राइब नहीं किया तो शर्मा आपका भाई हूँ मैं, आपके भाई के चैनल को तो सब्सक्राइब बनता ही है। नीचे देखिए सब्सक्राइब का बटन होगा, उस बटन को दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा। उससे क्या होगा, जो भी नॉलेजेबल वीडियो मैं आने वाले समय में लेकर आऊँगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलेगा, आप लोग सबसे पहले मेरा वीडियो देख पाएंगे। इसलिए जो बेल आइकन है, जो घंटी है, उसको भी ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। इस समय पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी का दौर चल रहा है, हर जगह मार्केट डाउन है, अपने आप ही लोग हाथों में डिग्रियां लेके घूम रहे हैं, नौकरी के लिए जॉब नहीं मिल रहा है। जो जॉब मिलना चाहिए 40,000 का, वहाँ पर 15-20,000 में लोग करने को तैयार हैं, क्योंकि मार्केट बहुत डाउन है, कामकाज बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, कहीं से भी ओमान आना चाहते हैं या ओमान आने के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि गाइज अपने देश में कामकाज बिल्कुल भी नहीं है। सभी लोग चाहते हैं कि बाहर जाके दो पैसा कमाया जाए। सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ बिजनेस करने की, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझसे मेरे वीडियो में आकर कमेंट करके भी पूछा है, मेरे इंस्टाग्राम में बहुत सारे लोगों ने मैसेज करके भी पूछा है। तो गाइज, मैं आपको बता दूं, अगर आप आके ओमान में अपना बिजनेस करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको आना होगा यहाँ पर विजिट वीज़ा में। विजिट वीज़ा मिलेगा आपको लगभग 35 या 40 रियल के आसपास मिलेगा। 35 और 40 रियल का इंडियन कितना होता है आप स्क्रीन में देख लीजिए। और यहाँ आने के बाद आपको पहले तो आपको दुकान देखनी है, जो भी आपको कारोबार करना है, दुकान खोलना है, नाई की दुकान, धोबी की दुकान, क्योंकि यहाँ बहुत सारी, यहाँ लॉन्ड्री की दुकान और ये बार्बर शॉप, नाई की दुकान बहुत ज़्यादा चलती हैं, क्योंकि यहाँ पर ओमानी लोग ये दुकान नहीं खोलते, सारे बाहर के लोग खोलते हैं। तो लॉन्ड्री शॉप, खाने पीने की दुकानें या कोई भी और भी छोटी छोटी दुकानें हैं, सारे बाहर की हैं, ओमानी लोगों की, यहाँ के लोगों की है ही नहीं। तो यहाँ पर आने के बाद आप लोगों को सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले तो आपको दुकान देखनी होगी जिस बारे में आपको काम करना है, जो जिस बारे में आपको बिजनेस करना है, कारोबार करना है, उस चीज़ के लिए दुकान देखना है। दुकान देखने के बाद आपको एक स्पॉन्सर बनाना होगा, अगर क्योंकि यहाँ पर अपने नाम पर दुकान लेंगे तो आपको थोड़ा महंगा पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप अपने नाम में दुकान नहीं चला सकते, चला सकते हैं अपने नाम पे भी, थोड़ा महंगा पड़ेगा आपको, शायद 1,800 रियल आपको लगाने पड़ेंगे जो अपने नाम का लाइसेंस लेना पड़ेगा। नहीं तो आप ये ओमानी के नाम पे, यहीं का जो अरबाब होगा, ओमानी होगा, उसके नाम पे आप दुकान ले सकते हैं, एक अरबाब बना के, उसको जो भी पैसा मांगता है महीने में 20-25-30 रियल जो भी मांगता है आप उसको दे सकते हैं, और उसके नाम पे दुकान होगा, लेकिन काम आपका होगा, कोई इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। आप ये मत सोचना कि दुकान किसी और के नाम है, मैं कैसे कर सकता हूँ, नहीं, ऐसा क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पर ओमान में आपको मैं बता दूँ, 95% लोग ओमानी के नाम पर दुकान लेके चला रहे हैं, सिर्फ 5% लोग ऐसे होंगे जो अपने नाम पर दुकान लेके चला रहे हैं, नहीं तो सारे ओमानी के नाम पर दुकानें लेके चला रहे हैं। तो आप यही करना होगा आपको, सबसे पहले मेरी बात को आप नोट कर लीजिए, आपको सबसे पहले ओमान आने के लिए विजिट वीज़ा लेना होगा। विजिट वीज़ा के लिए आपको स्क्रीन में देखिए, देखिए यहाँ पर माइल्स ट्रैवल के नाम से एक आपको मैं नंबर और उनका दुकान का नाम दे दूंगा, माइल्स ट्रैवल के नाम से स्क्रीन में देख लीजिए। ये माइल्स ट्रैवल्स वाले बहुत अच्छे इंसान हैं, ये पाकिस्तान के हैं लेकिन बहुत अच्छे इंसान हैं, इनसे मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है, बहुत अच्छी जान पहचान है। ये आपको टूरिस्ट वीज़ा देंगे, विजिट वीज़ा देंगे, विजिट वीज़ा में आकर यहाँ आकर अपनी काम की तलाश कर सकते हैं। विजिट वीज़ा का मैंने जैसे आपको मैंने पहले बता दिया, 35 से 40 हज़ार के आसपास आपको उनको पेड करना होगा, बाकी आने का फ्लाइट का टिकट अलग होगा। फ्लाइट का टिकट कोई निर्धारित नहीं है, फिक्स नहीं है, ये सीजन सीजन के हिसाब से होता है। ऑफ सीजन में
कम पैसा भी लगता है आने के लिए, और सीजन चल रहा होता है तो ज़्यादा पैसा भी लगता है क्योंकि फ्लाइट का टिकट फिक्स नहीं होता है। तो गाइस बहुत से लोग मुझसे ये भी कहते हैं, शर्मा जी हम नौकरी करना चाहते हैं। तो गाइस नौकरी के लिए मेरे पास कोई पर्सनली वीज़ा नहीं है, आपको मैं वीज़ा नहीं दे सकता, मैं नौकरी नहीं दिला सकता आप लोगों को, लेकिन वीडियो के माध्यम से आपको मैं जानकारी दे सकता हूँ, वीडियो के माध्यम से आप लोगों को हेल्प कर सकता हूँ। क्योंकि यहाँ पर किसी को कंधे पर बैठा कर दूर तक ले जाना या हाथ पकड़ के आगे तक ले जाना कोई हेल्प नहीं है। हेल्प इस तरह से भी किया जा सकता है, किसी को वीडियो के माध्यम से सही जानकारी देकर सही नॉलेज देकर भी हेल्प किया जा सकता है। तो मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बता दूं, कई साइट भी हैं, आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, omanjobs.com भी है, कई सारे arab.job.com से कई सारे साइट हैं, उन साइट में आकर उन साइट में विजिट करके आप जॉब की तलाश कर सकते हैं वेबसाइट में जाकर भी, और यहाँ विजिट वीजा में आकर यहाँ कर भी जॉब की तलाश कर सकते हैं। अगर आपके रिलेटिव फ्रेंड्स कोई जानने वाले अगर ओमान में हैं तो आप उनको संपर्क करके कांटेक्ट करके डायरेक्टली भी आ सकते हैं। आप यहाँ आने के बाद अगर विजिट वीज़ा में आते हैं तो आप 3 महीने का विजिट वीज़ा भी मिलता है आपको, बाद में उसको बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है, फिर बाद में पैसा थोड़ा और दे के बढ़ा सकते हैं। जब तक आप जॉब आपको नहीं मिल जाती, बिजनेस आपका सेट नहीं हो जाता, तब तक आपको वीज़ा को बढ़ा भी सकते हैं। यहाँ आने के बाद रहने के लिए आप रूम ले सकते हैं, दोस्तों के साथ और लोगों के साथ मिलकर भी ले सकते हैं। अकेले लेंगे तो थोड़ा रूम आपको महंगा पड़ सकता है, लेकिन दोस्तों के साथ मिलके किसी के साथ मिलके भी आप रूम ले सकते हैं, उससे आपको थोड़ा सस्ता भी पड़ सकता है। खाने पीने का खर्चा कितना आएगा, रहने के लिए रूम कितना का रूम मिलेगा, 1 महीने का खर्चा कितना होगा, उसके बारे में जानना चाहते तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। मैं ओमान में 1 महीने का खर्चा कितना होगा, रूम कितना का मिलेगा, खाने का कितना खर्चा होगा, राशन पानी का खर्चा कितना होगा, सब कुछ मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा, नीचे कमेंट कर दीजिएगा। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखिए या मेरे चैनल के अबाउट में जाइए, लास्ट में अबाउट लिखा हुआ है वहाँ पर जाइए, इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, इंस्टाग्राम में फॉलो करिए और मुझसे आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं, मैं आपको हर मैसेज का जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो गाइस ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो या अगर इस वीडियो से आपको कुछ मदद मिलता दिखाई दे रहा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल में पहली बार आए हैं अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे देखिए सब्सक्राइब का बटन है, उस बटन को दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नई टॉपिक के साथ नई वीडियो में। तो अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। मैं आपके फ्यूचर भविष्य की कामना करता हूँ, उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, ब्राइट फ्यूचर की कामना करता हूँ। थैंक यू सो मच, जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।